वीडियो में आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिट अप मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे स्टॉप लॉस और कैसे टारगेट लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन ओपन करना है और आपको वॉच लिस्ट में जाना है। अब जैसे मुझे बाई करना है, बैंक निफ्टी का एक कॉल बाई करना है, उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे हम लगा सकते हैं। तो जैसे मुझे कोई भी एक स्क्रिप्ट लेनी है, मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख जाएगी, चार्ट दिख जाएगा, यहाँ पे डेप्थ दिख जाएगा, इसका फ्यूचर्स दिख जाएगा और आपको ऑप्शन चैन दिख जाएगी। यहाँ पे आप उसकी ऑप्शन चैन देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इसको बाई करना है, तो सिंपल सा मैं बाई में क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी आप डालेंगे, बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है 25 का, अगर एक लॉट लेना है आपको तो 25 डालेंगे, दो लॉट लेना है तो आप 50 डालेंगे। तो फिलहाल मैं एक ही लॉट ले रहा हूँ। प्राइस आपको सेलेक्ट करना है, जो भी प्राइस आपको, जिस प्राइस से आपको बाई करना है। जैसे मुझे बाई करना है 98 से। अब प्रोडक्ट टाइप में आपको MIS और नॉर्मल दो ही प्रोडक्ट टाइप इस टाइम पे काम कर रहे हैं, और अगर आप MIS सेलेक्ट करते हैं तो ये पोजीशन आपकी इंट्राडे कहलाएगी, और अगर आप नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कल के लिए। तो फिलहाल इसको मैं MIS कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है ऑर्डर टाइप। तो ऑर्डर टाइप में अगर आप लिमिट सेलेक्ट करते हैं तो जो प्राइस डालेंगे आप, उस प्राइस से आपका ये बाई होगा। जैसे मुझे 98 से बाई करना है, ठीक है, तो ये 98 से बाई होगा। और अगर आप लिमिट्स मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो करंट मार्केट से आपकी पोजीशन बाई हो जाएगी, ओके। और अगर वहीं आप SL सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पोजीशन है, जैसे इसका प्राइस चल रहा है 103 रुपये और मुझे बाई करना है 110 रुपये से, तो अगर आप SL सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्राइस डालना पड़ेगा 110 रुपये, और उसके नीचे जो प्राइस डालनी पड़ेगी आपको, ओके, तो यहाँ पे आपको जो प्राइस है वहाँ पे आपको 110 रुपये डालना है, और यहाँ पे जो प्राइस है उससे 1 रुपये कम रखना है आपको, 109 रखना है, ओके। और रिव्यू बाई ऑर्डर में सबमिट करेंगे तो आपकी जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पे ओपन दिखेगी, पेंडिंग दिखेगी। ये देखिए आपका ऑर्डर जो है पेंडिंग दिख रहा है। अब इसको हम फिर से कैंसिल करते हैं, ओके, अगेन वॉच लिस्ट में जाते हैं। इसके बाद फिर से स्क्रिप्ट में क्लिक करते हैं, बाय में क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे डालेंगे ऑर्डर टाइप में लिमिट सेलेक्ट करेंगे। लिमिट सेलेक्ट किया और प्राइस डाल दिया मैंने 98 का, और मैंने रिव्यू बाय सबमिट कर दिया। तो अब जी जब 98 पे जाएगी आपकी पोजीशन, तब आपका बाई होगा। अभी हम देखेंगे पोजीशन पे जाके, तो ये पोजीशन हमारी लग गई है, ठीक है। अब जैसे मुझे इस पे मुझे टारगेट लगाना है, पोजीशन में मैं क्लिक करूँगा, इसके बाद स्क्वायर एफ में क्लिक करूँगा, इसके बाद जितनी क्वांटिटी मैंने बाई किया है वो क्वांटिटी यहाँ पे दिखेगी, इसके बाद प्राइस, जिस प्राइस में मुझे पोजीशन अपनी निकालनी है वो प्राइस डालूँगा मैं। जैसे मुझे 111 पे निकालना है, ये प्राइस डाल दूँगा मैं, और रिव्यू बाई ऑर्डर कर दूँगा मैं। ये मेरा टारगेट लग गया। सपोज़ मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन पे जाना है, जो भी पोजीशन आपने बाई की है उसमें क्लिक करना है आपको, स्क्वायर अप में जाना है आपको। इसके बाद जैसे मुझे यहाँ पे जो ऑर्डर टाइप दिख रहा है वहाँ पे आपको SL सेलेक्ट करना है। SL सेलेक्ट करने के बाद आपको प्राइस डालनी है, जैसे मुझे लगाना है 81 रुपीज़ का, तो यहाँ पे मैं डालूँगा 80 रुपीज़ और यहाँ पे डाल दूँगा 81। तो ट्रिगर प्राइस हमेशा बड़ा रहेगा, जो प्राइस रहेगी वो हमेशा
छोटी रहेगी, 1 रुपये का डिफरेंस आप रख सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो लगा के आप रिव्यू वाई ऑर्डर में सबमिट करेंगे तो ये आपको ट्रिगर पेंडिंग दिख जाएगा। तो अब आपका टारगेट भी लग चुका है और आपका स्टॉप लॉस भी लग चुका है, दोनों चीज़ें आपकी लग चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट मार्ट के मोबाइल एप्लीकेशन में आप टारगेट, स्टॉप लॉस और बैंक निफ्टी की पोजीशन बाई कर सकते हैं।